सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो मैंने सोचा थोड़ा अपना एनवायरनमेंट चेंज करके देखूं कि किस तरीके से वीडियो बनेगी, थोड़ी और एनवायरनमेंट में बदलाव लेके आऊं। सो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी सारे एमसीए एस्पिरेंट्स या फिर जो भी लोग बीसीए कर रहे हैं उनके लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है। सबने जाना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी एक ब्रेक थ्रू लाने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपकी एमसीए की स्टडी के लिए, आपके एमसीए के एंट्रेंस के लिए ये किस तरीके से यूज़ में आने वाला है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो कहीं भी यूज़फुल लगी हो तो यार टू गिव इट अ लाइक। सो यार, यहाँ पर मैंने आपके कुछ जो कॉमन डाउट्स थे उसको प्रॉम्प्ट्स के रूप में लिखा है यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर, और इसके रिप्लाईज मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इसको इनोवेटिवली यूज़ कर सकते हो और इसकी पावर को किस तरीके से आप रैंक वन लाने के लिए यूज़ कर सकते हो अपने सारे एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जस्ट सबसे पहला मैंने ये यूज़ करा है कि सबका ये डाउट रहता है कि हमारे 60% से कम है अपनी ग्रेजुएशन में, तो मैं कौन से कॉलेज में एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से पूछा, और सबसे पहले आप ये जान लो कि इसके हर आंसर सही नहीं होते, लेकिन इसके 80 to 85% आंसर सारे सही होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि यहाँ पर गूगल सर्च भी आप करते रहो साइड बाय साइड कुछ चीज़ों के लिए, और यहाँ पर जो सर्च डेटा ड्रिवन चीज़ें लाइक कॉलेजेस बुक्स, यहाँ पर ये थोड़ी बहुत गलती करता है, अभी भी मैंने ये नोटिस करा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉम्प्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि आई हैव स्कोर्ड लेस देन 60% इन माई ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस, टेल मी द कॉलेजेस इन विच आई एम एबल टू परस्यू एमसीए। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैं आंसर आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इस चीज़ को मॉडिफाई करना चाहते हो। लाइक मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे यहाँ पर अराउंड नॉर्थ इंडिया में ही मिले कॉलेज, या फिर मान लो कि मेरी प्रायोरिटी है मेरे को साउथ इंडिया में ही कॉलेजेस चाहिए, या फिर बैंगलोर स्टेट में चाहिए, या फिर वेस्ट बंगाल स्टेट में चाहिए। तो आप इस हिसाब से इस प्रॉम्प्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। फिर सेकेंड क्वेश्चन मैंने इससे पूछा कि टेल मी द एग्जैक्ट बुक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टडी फॉर डी यू एम सी सी यू ई टी। यहाँ मैथ्स की बुक्स के मामले में इसने कुछ गलती करी, लेकिन बाकी इसने जो रीजनिंग वगैरह की बुक सजेस्ट करी वो काफ़ी ज़्यादा सही थी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आप ये भी प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। फिर तीसरा डाउट जो कि मेरे इनबॉक्स में था काफ़ी टाइम से, वो था ये कि आई हैव बिजनेस मैथमेटिक्स इन ग्रेजुएशन, एम आई एलिजिबल फॉर डी यू एम सी ए, टेल मी येस और नो। मतलब यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखने से कि टेल मी येस और नो, इसके जो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देता है बीच बीच में और लास्ट में भी, तो मेरे को वो सब नहीं देखनी थी, सीधा मैंने लिखा टेल मी येस और नो, और इसका आंसर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको बीच वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा आपको समझ आ रही होगी चीज़ें, कि यहाँ पर हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, रादर देन थिंकिंग ऑफ नेगेटिव थिंग्स, हम यहाँ पर इसका कितना इनोवेटिवली यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वेट वेट वेट, वीडियो में आगे जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। तो यार, बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि यार वो घर बैठे हुए पार्ट टाइम जॉब के साथ एक एमसीए की डिग्री ले लें। तो यार उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, वो निमसेट क्रैक नहीं कर पाते, तो वो चाहते कि वो घर बैठे हुए अपनी एमसीए कंप्लीट कर ले इजीली। तो यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है इसका पूरा डेटा भी आपको चैट जीपीटी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कॉलेज विद्या वेबसाइट के बारे में। बहुत सारी ऑनलाइन डिग्रीज है एमसीए की हमारे इंडिया में जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन एग्जैक्ट आपकी फ़ीस के हिसाब से वहाँ पर जो पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और इसके अलावा करेक्ट फीस में आपको बहुत सारे अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करे, ऐसी डिग्री अगर आपको ढूंढनी है तो कॉलेज विद्या एक परफेक्ट वेबसाइट है आपके लिए। तो सोल्यूशन जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो कि कौन सी राइट ऑनलाइन डिग्री है आपके लिए डिस्टेंस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ये कंपेयर करती है 100+ डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, बजट, अप्रूवल फीस, स्टूडेंट रेटिंग। इसके अलावा इनके मेन फीचर्स जो इनकी वेबसाइट के हैं वो है अनबायस्ड और फ्री पोर्टल। यार आप फ्रीली चेकआउट कर सकते हो कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में। कंपेयर यूनिवर्सिटीज, यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड टू द यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल पेज। स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑनलाइन डिग्री की कम वैल्यू है एज कम्पेयर टू रेगुलर कॉलेज, लेकिन ये एक मिथ है। यूजीसी ने बोला है कि ऑनलाइन डिग्री की सेम वैल्यू है रेगुलर डिग्री के बराबर। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे इन्होंने एक नया फीचर ऐड करा है जहाँ पर आप प्लेसमेंट पार्टनर्स यूनिवर्सिटीज के कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि हर एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन देती है अपनी फीस भरने के लिए। फ्री ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप सिंपली इनके यहाँ पर फ्री ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक इनके पास एआई मॉडल है जिसमें आप कर सकते हो सजेस्ट मी एनी यूनिवर्सिटी, जो आपको आपके हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करके दे सकता है आप ही की स्टेट में, आप ही के पूरे जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से। तो यार अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो अब पता है, तो जरूर जाके चेकआउट कर लो कॉलेज विद्या वेबसाइट को,
ऑल द रेलिवेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर चौथा प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका आंसर नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर मैंने अपना दिमाग यूज़ करके इसका आंसर निकलवा लिया, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस में देखा था ये सारी चीज़ें लोग ट्रिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर था कि टेल मी द एग्जैक्ट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ BHUMC इन 2022। मुझे जानना था कि BHUMC की प्लेसमेंट की स्टैट्स क्या है, लेकिन क्या है कि ये डेटा आपको नहीं प्रोवाइड करता, कुछ लिस्ट ऑफ डेटा या फिर ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता ये। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा ओ सॉरी दैट आई डिडंट नो दैट यू डोंट प्रोवाइड इट, लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हो कुछ और चीज़ें। तो इसने यहाँ पर फिर भी एक नंबर, मतलब आप जिसे कह सकते हो कि हिंट दे दिया मुझे कि वहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी होती है। यहाँ पर आप इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर फिफ्थ मैंने जो प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखा वो है कि टेल मी द स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी टू कवर मैथ्स सिलेबस फॉर निमसेट इन 2023 इन जस्ट 4 मंथ्स। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक ये प्रॉम्प्ट देख के देखा कि क्या ये मेरे काम आ सकता है। तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रॉम्प्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, और इसका आंसर भी कुछ इंप्रेसिव था मेरे लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दे सकते हैं, गाइड की तरह भी आपको गाइड करता है। फिर सिक्स चीज जो मैंने इससे पूछी कि YouTube चैनल, जो कि काफी सारे लोग पूछते हैं कि कोई भी बेस्ट YouTube चैनल मुझे बताओ कि स्टडी फॉर DUMCA थ्रू CUET। लेकिन यहाँ पर इसने कुछ चीजें गलत बताई, इवन कुछ चैनल्स गलत बताए। तो यहाँ पर मुझे इसको डीमोटिवेट नहीं करना कि गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं, मैं इसको टॉपिक वाइज सिलेक्ट कर लूंगा सिंपली। अगर मुझे कैलकुलस पढ़ना है मैथ्स में, तो यहाँ पर मैं इसको इंप्रोवाइज करके लिख सकता हूँ कि टेल मी द बेस्ट चैनल दैट मेक्स अस टीच अबाउट कैलकुलस ऑफ 12th क्लास। मतलब इस तरीके के आप प्रॉम्प्ट दे के इससे आंसर निकलवा सकते हो, आपको बस आंसर निकलवाना है इससे, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ब्रेक डाउन कर लो और उससे आंसर निकलवाओ, उसको जाके आप यूट्यूब पे जाके चेकआउट करो, तो वो बिल्कुल सही आंसर्स देगा आपको। यहाँ पर प्रॉम्प्ट इसने पहले ये दिया था। फिर सेवन चीज़ जो मैंने इससे पूछी वो ये थी कि आई हैव डन BCOM ऑनर्स, एम आई एलिजिबल फॉर NIDMCA। सिर्फ NIDMCA के बारे में पूछा, तो यहाँ पर इसने सिंपल आंसर दे दिया कि आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, आपकी जो भी कंडीशन है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो वहाँ के स्टूडेंट से कि कोई BCOM का स्टूडेंट आ रखा है, या फिर आप जाके एलिजिबिलिटी भी चेकआउट कर सकते हो, ये सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए। लेकिन अगर आपको जाने कि आपने BCOM करी है तो आप कौन कौन से कॉलेजेस में एलिजिबल हो, तो आप सिंपली जाकर लिख सकते हो कि आपने BCOM करी है, कौन कौन से कॉलेजेस में आप एलिजिबल हो MCA के लिए इन नॉर्थ इंडिया या फिर इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पर आप स्टेट्स का नाम भी दे सकते हो, सिंपली अपने प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करो अपने हिसाब से। फिर एट्थ में मैंने इसको बोला कि एक्सपर्ट बनो। ये एक प्रॉम्प्ट का टाइप है कि जिसमें आप इसे कहते हो कि यार आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक्सपर्ट बनो और मुझे गाइड करो। उसी हिसाब से मैंने इसको निमसेट का एक्सपर्ट बनने के लिए बोला कि बिकम एन MCA एक्सपर्ट एंड टेल मी द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस फॉर MCA इन नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर ही आपको सीधा सिंपली लिस्ट दे देगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। फिर अब मेरे को जानना था कि यार मेरे को वीकली एक शेड्यूल बना के दे अपने हिसाब से और उसको मैं मॉडिफाई करूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा कि बिकम अ निमसेट एग्जाम एक्सपर्ट and make weekly timetable for me so that I can study for NIMSET to get rank 1 in 3 months of study। Simply इसको यहाँ पर मैंने अपनी पूरी requirements लिखी, लेकिन clear और number के हिसाब से। तो इसने यहाँ पर बहुत ही impressive result दिया मेरे को, weekly schedule बना के दिया, वो भी topic wise breakdown के साथ। फिर ऐसी ही चीज़ आप कर सकते हो कि become CUET expert and make a timetable for me to crack CUET 2023 MCA exam। तो यहाँ पर ये आपको उस हिसाब से मॉडिफाई करके दे देगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इवन अगर आपको कोई MCQ जानना है तो आप यहाँ पर MCQ का क्वेश्चन लिख दो और वहाँ से आपका आंसर एकदम सॉल्व होके आ जाएगा। तो आप सिंपली यार यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन, आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन आप सिंपली डाल सकते हो। और अगर आपको लगता है कि गलत आंसर दे रहा है तो आप इसको यहाँ पर छोड़ो मत, आप इसको कोई भी आर्टिकल का लिंक दे सकते हो यहाँ पर कि प्लीज़ रेफर दिस एंड टेल मी द आंसर। तो ये अपनी मिस्टेक मानेगा भी और आपको आंसर देगा एक अच्छे तरीके से। तो रैदर देन इसको एक खतरा मानने की जगह यहाँ पर आप इसको एक पॉजिटिवली यूटिलाइज करो अपने एग्जाम्स के लिए, और इवन आपके एग्जाम्स की तैयारी बेटर हो जाएगी। आपको कोई मेंटर की ज़रूरत नहीं कि आपसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। तो यार ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट आपके डाउट्स थे जिसे मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसे हम कहते हैं लोग आजकल बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ करें, प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पर डाले और वहाँ से मुझे आंसर मिले। तो आई होप यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।